दादा, ये बोलने वाला लीडर फिर एक बार गुलबर्ग से पूरी कर्नाटक की हिफाजत करेगा, ये हमारा दावा है। This video presented by Raidan Multi Cuisine Restaurant. Variety of traditional foods, Arabian, Turkish, Middle East, Grand Interior, Genuine Spices, Hygienic Kitchen, Address Tipu Sultan Chowk, Ring Road, Gulbarga. हुआ कहते हैं पहला छोड़ देना, दूसरा छोड़ देना, तीसरे नंबर पे नासिर को पढ़ लेना, मेरे को तो जो कुछ कह रहे थे भारी भारी वाली वाला बटन दबाओ। भारी वाली औरत बटन दबाओ, बटन पहला छोड़ना, दूसरा छोड़ना, तीसरा दबाना। असेंबली में बोलने वाला होना जरूरी है। कॉर्पोरेशन इलेक्शन नहीं है, नाली साफ करो, रोड साफ करो, लाइट लगाओ। असेंबली में क्वेश्चन होता है, उसमें रोलिंग देने वाला लीडर चाहिए। आज जलालाबाद में कैंपेनिंग करते हुए वार्ड नंबर 13 जनता दल सेकुलर की जानिब से फारूक अहमद साहब और जो है हमारे कलीम एडवोकेट साहब, सारे नौजवान जो है हमारे साथ में रह के पुरजोर तरीके से आज कैंपेनिंग का पहला दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कैंपेन हो गया है। ये कैंपेनिंग करने का मकसद ये है, 5 साल में कोई लीडर हमारे पास नहीं दिखा, जीत के चले गया मगर बेंगलोर में 5 दिन बंद होते वक्त 2 दिन, इस लिहाज से 24 घंटे मिलने वाला लीडर जैसा कमरुल इस्लाम था वैसा नासिर हुसैन उस्ताद है। हम उसको जिता कर कामयाब करके उसके असेंबली में भेजने की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं। 1978 में पूरे मुत्तहिद कांग्रेस को हराए थे, उस टाइम पे मुस्लिम लीग थी, आज वो वक्त आया है कांग्रेस को हरा के जनता दल को जिताना है। इस बार जब भी टक्कर में जनता पार्टी थी, आज कांग्रेस के टक्कर में और बीजेपी के टक्कर में जो है जनता दल सेकुलर है। नासिर हुसैन उस्ताद एक मजबूत कायद है, अनंत का लो, तुम जो है एनआरसी का लो, हिजाब का लो, तुम्हारा जो है हनुमान चालीसवां पढ़ने के लिए महबस मस्जिद का लो, हलाल कट लो, बंडियों वाले को क्या तकलीफ है सब जानते हैं लोग। आज सियादत मर चुकी है, पुलिस हमारे ऊपर आई हो रही है, उन्हें खुद के घर को नहीं बचा सके, हमको क्या बचाते। इसलिए मरद की सियादत होना जरूरी है, असेंबली में बोलने वाला होना जरूरी है। कॉर्पोरेशन इलेक्शन नहीं है, नाली साफ करो, रोड साफ करो, लाइट लगाओ। असेंबली में क्वेश्चन होता है, उसमें रोलिंग देने वाला लीडर चाहिए। कई मुसलमानों के खिलाफ जो लीडर फैसले होते जा रहे हैं, ये अम्मा और इनकी कांग्रेस पार्टी खामोश बैठी हुई है, ये एक लफ्ज नहीं बोलने को तैयार है। लिहाजा ये बोलने वाला लीडर फिर एक बार गुलबर्ग से पूरी कर्नाटक की हिफाजत करेगा, ये हमारा दावा है।